माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। तुम्हारी मॉम की वजह से मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिस तरह अल्लाह ने हमें बाकी आजमाइशों से निकाला है, इस आजमाइश से भी निकाल देगा ज़किया। फुरकान को ठुकराकर तुम अपने दिल पर बोझ मत डालो। अल्लाह पर छोड़ तो सब कुछ, वो बेहतर करेगा। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। नहीं यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ हो जाने के बाद वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेने दोबारा आ गए। औलाद के आगे वालदैन मजबूर हो जाते। मतलब ये कि कयूम ने और मिसेस कयूम ने अपने बेटे के खातिर फैसला वापस लिया। रिश्ता वापस लिया है या उन्होंने फैसला अपना बदला है, मगर मेरा भी तो कोई फैसला है। बेटी के मामले में बाप को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। सोचो, जो लड़का रिश्ता खत्म हो जाने के बावजूद अपने वालदैन को इतने अरसे बाद रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारे पास भेज रहे, सोचो तुम्हारी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। एक बार उन लोगों ने रोशना बेटी के साथ रिश्ता तोड़कर ज्यादती की थी और दोबारा तुम उनका रिश्ता ठुकरा के रोशना के साथ सुलह कर लिया। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी से उसकी मर्जी मांगो और अगर वो रजामंद है तो फिर उस लड़के से मिलो, उसके ख्याल पे सब जांच पड़ताल करने के बाद कोई फैसला कर। मैं तो ये समझता हूं कि माजी की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर देखा जाए तो उस लड़के में कोई बुराई नहीं, ना उसकी फैमिली में। बड़े उस्ताद आदमी हो तुम, मुझे यकीन था कि इस उलझन से तुम ही निकालोगे मुझे। इस खुशी में बिरयानी खिलाऊं तुम्हें? हाँ बिरयानी, चलो वक्त तो हो गया, मंगवा लो। अभी उसने शादी करवाने की ठान ली है, कल को माँ बाप को भी घर में ले आएगा वापस। इससे पहले कि तुम्हारे हाथ से वो निकल जाए कुछ करो। क्या करूं अम्मी, उसकी तो सुई लगता है मुनी पर जाकर अटक गई है। मेरी किसी बात का उस पर कोई असर ही नहीं। हमारी बातों का उस पर असर हो या ना हो, लेकिन जलाल भाई की बातें उसकी हिम्मत जरूर तोड़ देंगी, क्योंकि वो कभी भी इस बात पे राजी नहीं होंगे। मैं भी यही सोचकर मुतमईन हूँ, बार बार धुतकारे जाने पर वो लौट कर वापस तो मेरे पास ही आएगा, और इस बार जब आएगा तो फिर कभी अपनी फैमिली के पास नहीं जाएगा। प्लीज, अगर आप लोग ने मेरा नंबर ब्लॉक ना किया होता तो मैं फोन पे बात कर लेता। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख लें, फैमिली अच्छी है। किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ करने के लिए? ये सब सोचने के लिए अभी मैं जिंदा हूं।
अब्बू मैं भी तो रोशना। मत कहो मुझे अब्बू, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज गाली की तरह लगता है मुझे। और रही बात रोशना की, तो माशाल्लाह उसकी शादी तय हो चुकी है, वो बहुत जल्द अपने घर की हो जाएगी और हमेशा हंसी खुशी रहेगी। शादी तय कर ली? कुछ डिसाइड कर लिया और बताया भी नहीं? दावत तो गैरों को भी दी जाती है अब्बू। तुम गैर भी होते तो दावत दे देते। ये जो अपना दिल नहीं लगता, क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर। तुम खैर भी होते तो दावत दे देते। दर्द है जाने कैसा, तुम खैर भी होते तो दावत दे देते। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं। ज़किया, तुम रोशना से उसकी मर्जी पूछ लो, मैं फरखान से एक बार मिल लेता हूं, फैसला करने में कुछ आसानी हो जाएगी। जब तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि फुरकान की फैमिली को हाँ करने से पहले तुम्हारी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी? हाँ बेटा, तुम्हारी मर्जी। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूं रोशना, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए जो तुम चाहोगी हम वही करेंगे। मैं बस इतना जानती हूँ अब्बू मुझसे ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। आप अब्बू को जाके बता दीजिए, जो उनकी मर्जी वही मेरी मर्जी। माँ बाप के लिए सबसे बढ़कर उनकी औलाद की भलाई होती है।
मैं कब से तुम्हें समझा समझा कर थक गई, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझते। मैं इसी लायक हूं कि मुझे माफी ना मिले। इसी काबिल हूं कि अपनी बहन की शादी में शरीक ना हो। ऐसा जो हो रहा है शायद ठीक हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो बिलाल? ताया वो भी गुस्से में, जब उनका गुस्सा उनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मुस्कान, उन्होंने मुनी को खोया है। वो जिस घर में रहते थे उसी घर से उनको बेघर किया गया। उन्होंने हमेशा मेरी खुशियों के बारे में सोचा और जब मेरी खुशी की बारी आई तो मैंने उनके बारे में सोचा तक नहीं। बिलाल, मैं मना लूंगी तायाबू को, मैं बात करूंगी उनसे, वो मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे। शायद वो ठीक कर रहे हैं, मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। सुने, आपने रोशना के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचना ज़किया बेगम, अजीब दो राहे पे खड़ा हूं मैं। एक जानेब ये रिश्ता और दूसरी जानेब वो जो माजी में हुआ है उसका डर। अंदाजा है मुझे आपके डर का, लेकिन हमें कोई ना कोई फैसला तो करना होगा ना। आप मेरी राय पूछें तो मुझे लगता है कि रोशना के लिए फरकान से अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा। ये भी जानती हूं कि पुरानी बातें भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अल्लाह पे भरोसा करके अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें फुरकान पे भरोसा करना होगा। तो फिर हाँ कर दो रिश्ते के लिए। अल्लाह मालिक। मैं जाके बताती हूँ। डैड, आप लोगों ने बुलाया था मुझे। हाँ बैठो। आप लोगों को कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? हाँ बात तो बहुत जरूरी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। हाँ, मुझसे पहेलियां क्यों पूछवा रहे हैं डैड, जो भी बात है खुल के कीजिए। दरअसल में बात यह है कि वो
तुम्हारी मॉम को अभी थोड़ी देर पहले रुशना की अम्मी ने फोन कर दिया था। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या कहा। नगमा, तुम खुद ही बता दो इसे। क्या हो गया आपको? कयूम बताइए ना, क्या बात है? भाई, उन्होंने कहा कि ना बाबा ना, यकीन करो मुझ में हिम्मत नहीं है वो सब रिपीट करने की जो रुशना की अम्मी ने कहा है। मॉम, डैड, प्लीज मेरा इम्तिहान मत लीजिए। आंटी ने जो भी कहा है मुझे बता दीजिए, मत छुपाइए प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर सुन लो। उन्होंने रिश्ते के लिए हां कर दी है। और हम कल तुम्हारी शादी की तारीख लेने जा रहे हैं उनके घर। ओह गॉड, आप लोगों के सस्पेंस ने तो जान ले ली मेरी। अब तो तुम्हें अपनी मॉम से कोई शिकायत नहीं है ना? बिल्कुल, आपने मुझे मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी दी। यू आर द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, और हम, हमारा क्या? आपका भी कोई जवाब नहीं। यू आर माय डैड, ऑफ कोर्स। यस। की 10 तारीख तय हुई है तुम्हारी शादी की। कितनी प्यारी लगोगी ना दुल्हन बनके। इतनी उदास क्यों? खुश नहीं हो अपनी शादी से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस भैया अदनान और बिलाल की याद आ गई थी। काश कि हम बिखरे ना होते, आज साथ होते तो वह मेरी खुशी में शामिल होते। समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को। अगर बहन भाई का रिश्ता होता ही इतना अनमोल, हर बहन चाहती है कि उसके भाई उसकी डोली अपने कांधों पर लेकर जाए। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं बहनों की अपने भाइयों से। मगर तुम फिक्र मत करो, हमारी नाराजगी अपनी जगह। मैं अब्बू से बात करूंगी कि अदनान और बिलाल को जरूर बुलाएं शादी पे। आप अब्बू से कोई बात ना करिएगा, अब्बू ने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं नहीं चाहती अब्बू किसी भी मुश्किल में पड़े।
अब्बू जैसे चाहेंगे मैं रुखसत हो जाऊंगी, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। अब कोई बात ना करिएगा। रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला जरा हौले हिलाओ माँ, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघल। मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला। हमारी जिंदगी में ये खुशियां और हम कैसे कैसे मौकों पर रहते हैं। औलाद को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पे खड़ा होता देख के खुशी मिलती तो अलग होकर हमें कमजे गम दे जाते। रोशना की शादी तय हुई, उसकी खुशी मिली तो शादी से पहले ही टूटने का गम मिल गया।
लाहौर में नौकरी मिली, खुशी हुई कि तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा, तो मोनी का फोन मिल गया। अब देखो, बेटी की शादी करने जा रहा हूं तो खुर्रम को सजा होने वाली। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? वे तो हमेशा मुझे नसीहत करते थे कि आजमाइश के वक्त सफर करने वाले से अल्लाह खुश होता। मेरा तो अब भी यही मानना है। मुझे अपनी आजमाइशों के बारे में कोई गिला नहीं है। हाँ, दुख होता है तो सिर्फ आफरीन के लिए दुख होता है, लेकिन आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया, तो आप किस बात की परेशान? रब्बा वो हमारे बेटों के गुनाह की सजा काट रही है जिक्र। रब्बा वे मुझसे कोई शिकायत नहीं करते। रब्बा मगर मैं उसकी आंखों में वो दुख पड़ सकता हूं। सही कहते हैं आप, जितना सब्र उस बच्ची ने दिखाया शायद ही कोई दिखा पाता। बस अब आप उसके लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इस इम्तिहान से निकल जाए। में टूट
टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। मामी, जैसी नाफरमान औलाद जब माँ बाप और उनकी तरबियत का लिहाज नहीं करती ना, उन्हें सजा मिल जाती। देखिए मुझे भी मिल गई। नजदीक है कितनी छाओ तेरे, माँ बाप है दोनों पाओ तेरे, क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा। माफ कर देना, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकूंगा। लेकिन तेरा भाई दुआ जरूर करेगा तेरी खुशियों के लिए। बस तो अल्फाज भी नहीं है कि तुम्हारे आगे कितना शर्म। तुमने हमेशा एक आइडियल बेबी बनने का सबूत दिया, कभी भी तुम्हारी कदर नहीं कर सकता। मत बोले ऐसे खुदा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जाऊंगा, तुम दोनों ने अभी का ख्याल रखना ठीक है। पापा, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप फ्रॉड हैं, क्या वो सच कहते हैं? अहमद, ऐसे नहीं बोलते।
बच्चा है। कोई बात नहीं, बाबू जिम्मेदारियों को बोझ समझता था, माफ कर। सब लोग रोना नहीं गम से ऐ जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। रोना नहीं गम से ऐ जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। झूला झूला हो झूला तेरा, ओ माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना, झूला माँ मुझको झूलाओ ना, रे माँ मुझको झूलाओ ना, झूला जरा हौले ही लाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झूलाओ। मेरी बेटी कितनी प्यारी लगेगी ये सूट पहन के। बिल्कुल सच, बहुत प्यारी लगूंगी। ये मेरी तरफ से। आफरीन, ये तो, ये मेरी तरफ से रोशना का शादी का तोहफा। अपने बेटों की शादी तो मैंने बहुत धूमधाम से की, और जब तुम्हारा रुखसती का वक्त आया तो मेरे पास सिवाय दुआएं देने के और कुछ भी नहीं है। तुम गए थे, खुशियों में तो अपनों को शरीक किया जाता था। माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना, झूला।